This is Dr. Shweta Malani, your biology coach, and welcome to my channel Tanisha Educational Hub, where biology has been made easy just for you. chapter three that is human reproduction right so without wasting much time let us actually move into the chapter and as you can see here i have already made written the name of the chapter that is human reproduction right so human reproduction se says first let us look at the term reproduction now what is reproduction we all know reproduction is that process by which young ones are born similar to the parent

फॉर्मेशन ऑफ जाइबोन रिप्रोडक्शन इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो रिप्रोडक्शन इज एक्चुअली द बर्थ ऑफ द एम्ब्रियो जब बच्चा पॉन हो जाता है मदर फादर से अलग उसकी आइडेंटिटी हो जाती है उसका सेपरेट मेटाबोलिज्म हो, हो जाता है लाइफ हो जाता है यानी कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाए तब तक हम रिप्रोडक्शन को कंप्लीट नहीं मानते राइट सो हमें पता चल गया वॉट इज रिप्रोडक्शन ना लेटर्स कम टू इन ह्यूमस राइट अब हम ह्यूम्स की रिप्रोडक्शन का एक स्टेप्स uh, जानना चाहते हैं ंग में जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है एंड एज वी नो इन एनी ऑर्गेनिज्म बी इट अलर इमीवा और बी इट अ मल्टी सेलर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग सारे ऑर्गेनिज्मन करते हैं वो रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस तीन फेज में बटा हुआ है द फर्स्ट फेज इज कॉल एज प्री फर्टिलाइजेशन फेज राइट द सेकेंड फेज इज कॉल एज द फर्टिलाइजेशन फेज एंड दर्ड फेज इज कॉल एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज आई टॉट यू इन में मैंने आपको पढ़ाया था Now, में क्या -क्या होता है? पहले फर्टिलाइजेशन से पहले दो चीजें होती हैं फर्स्ट होता है प्रोसेस बाई विच फॉर्म आपको पता है दो तरह के गैमेट बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दो सेक्सेज है देयर इज मेल गैमेट एंड देयर इज अ फीमेल गैमेट यू नो दैट द मेल गैमेट इज कॉल्ड ए स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज ओवरी चलो अच्छी बात है मेल एंड फीमेल गैमेट बन गया लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेल गैमेट बना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस के अंदर यहाँ बना है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बना है फीमेल के बॉडी के अंदर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड एज ओवरीज ओवरी के अंदर में आपका बनता है अब जब तक दोनों गैमेट एक दूसरे के पास नहीं आएंगे रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता तो गैमेटोजेनेसिस के बाद जो अगला स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज गैमेट ट्रांसफर गैमेट ट्रांसफर वो प्रोसेस है जिसमें द मेल गैमेट रीचेज द फीमेल गैमेट सो दैट बोथ द गैमेट्स दे फ्यूज विद ईच अदर सो द नेक्स्ट इज गैमेट ट्रांसफर

बाद में इस एम्ब्रियो का बर्थ होगा बच्चा का बर्थ होगा एंड बच्चा अपना एक यूनिक आइडेंटिटी लेगा जब बच्चे का बर्थ हो जाएगा यूनिक आइडेंटिटी ले लेगा तब जाकर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट मानेंगे यानी कि आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट यू नो रिवाइज यू द uh, थिंग्स क्योंकि हम एक ह्यूमन में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे सबसे पहला हमारा होगा गैमेटोजेनेसिस यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट कैसे बनेगा फिर हम गैमेट को ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर करने के बाद दोनों गैमेट्स हमें फ्यूज करेंगे फ्यूज करने के बाद जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा वो है जायोडोट से आपका बनेगा एम्ब्रियो एम्ब्रियो का बर्थ होगा तब जाकर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा राइट सो सिंस वी आर ऑल्सो सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म सो ऑर्गेनिज्मीज आर द बेसिक स्टेप्स दैट विल टेक प्लेस इन अस एज वेल ना इसी का एक मैंने एक फोटो बनाया है आपका

क्रम में पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है आप सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड देन यू विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये आपका पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार आप स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट तो मेल गैमेट बनेगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द फीमेल गैमेट जो आपका बनेगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओजेनेसिस राइट सो दिस विल बी द फर्स्ट थिंग सॉरी द स्पेलिंग इज रॉन्ग ट्रिपल ओ हो गया है

And this से क्या बनेगा एक मल्टी सेलर एम्ब्रियो बनेगा तो फिर आपकी दो बातें होंगी ठीक है तब जाकर रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट माना जाएगा इज द्लियर सो नाउटर वॉट आर दॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी आई वॉन्ट टू चेंज इन क्या पढ़ाएंगे बेटा रिपोर्डक्टिव सिस्टम दिस विल बी माई सेकेंड क्लास सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज फॉर्मेटोजेनेसिस फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द फॉर्मेशन ऑफ फीमेलिस अब एक बार ये गैमेट्स बन गया तो या तो ये गैमेट फ्यूज नहीं करेंगे अगर नहीं करेंगे तो वी विल स्टडी द नेक्स्ट स्टेप दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर फ्यूज कर गए दैट विल लीड टू फर्टिलाइजेशन सो वी विल स्टडी फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद हाउ द जाइगोट इज फॉर्म एंड zygote से एम्ब्रियो कैसे बनता दैट वी विल स्टडी हाउ द एम्ब्रियो इज गिवन बर्थ दिस वी विल स्टडी जब हम बच्चे का बर्थ हो जाएगा देन जाकर देन आवर प्रोसेस ऑफ दिस चैप्टर दैट विल कम टू एन एंड is that clear so now that you have got an overview of this uh, uh, chapter now let us move into the first topic that is the structure of male reproductive system Okay? the first topic that we are going to take up today is the male reproductive system so let us proceed with that this is what i'm going to teach you first is that clear so here we start the structure of male reproductive system so sub

ठीक अब आ जाते हैं ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं व्हाट आर दे एक्चुअली मेड अप ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स वन इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वन इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स राइट अब ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये दो तरह के होते हैं बेटा

एंड सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ मेल हॉर्मोन दट इज कॉल्ड एज एंड्रोजन जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टेस्टोटेटिव सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसे गैमिट्स तो नहीं बनाते हैं बट दे है वाइटल पार्ट इन रिप्रोडक्शन वॉट इज द एग्जैक्ट रोल

फंक्शन क्या है स्पर्म ठीक है इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म ये जो ग्लैंड है इन ग्लैंड की जो सिक्रीशन है इसको हम कहते हैं सीमेंट इसका दो काम है पहला नरिशमेंट देना गिव अ फ्लूड मीडियम टू द स्पर्म क्योंकि आपको पता है स्पर्म एक फ्लैजीलेटेड ऑर्गन है एंड किसी भी फ्लैजीलेटेडर you know, को मूव करने के लिए स्विम एंड मूव इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज दैट क्लियर सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेट मी शो इट यू अगेन हमारा मे मेल आ, हम इसकी फोटो भी दिखाएंगे सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम कहते हैं गुनाट्स मेल गोनाड को कहते हैं टेस्टिस टेस्टिस का दो फंक्शन है एक स्पर्म बनाना और एक है मेल गैमेट सॉरी मेल हॉर्मोन एंड्रोजेंस को बनाना सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एसेसरी कहते हैं दे डू नॉट मेक स्पर्म बट दे हैव वाइटल रोल इन रिप्रोडक्शन वॉट वी विल डिस्कस लेटर इन द चैप्टर ये जो ग्लैंड है ये तीन है हमारे

इज न क्लियर सो एक बार इससे पहले हम आगे पढ़े आई विल जस्ट शो यू द पार्ट ऑफ द रिपोडक्टिव सिस्टम एज आई टोल यू दिस पार्ट यू कैन सी इट हियर दिस इज योर द मेल

नेक्स्ट आ हाँ जाते हैं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द टेस्टिस एज यू कैन सी ह्यूमन बीइंग में यू नो द टेस्टिस इज अ ऑर्गन व्हिच इज फाउंड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्क्रोटम यहाँ पर देखिए मैंने आपका यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम

राइट right? तो इसका आंसर में आप लिखेंगे बिकॉज ये आपने क्लास टेन में भी पढ़ा है बिकॉज यहाँ स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है ये टू 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 एंड हाफ डिग्री टेम्परेचर लोअर होता है देन द बॉडी टेम्परेचर मैं बता दूं हमारा जो बॉडी है यहाँ जो बॉडी का टेम्परेचर ये काफी हाई होता है इस हाई टेम्परेचर में स्पर्म्स नॉर्मली सर्वाइव नहीं करते आई रिपीट हमारे यू नो दैट ह्यूमन बींग्स वी आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हमारे इस यहां पर यू you नो know, जो बॉडी का जो मेन पार्ट है यहाँ का टेम्परेचर काफी हाई होता है अगर स्पर्म यहां पर बनेंगे तो ये मर जाएंगे विल डाई दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव तो हमने इसीलिए ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को थोड़ा सा एबडोमिन के बाहर यहाँ पुश कर दिया है बाहर में वाई यहाँ का टेम्परेचर 2 से लेकर टू एंड हाफ डिग्री हमारे मेन बॉडी टेम्परेचर से लोअर लो, होता है एंड दिस इज एन आइडियल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज परमेटोजेनेसिस के लिए सबसे बेस्ट और आइडियल टेम्परेचर आपका कहलाता है Is that clear? ठीक Now that you have learned the location, I want to tell you one very interesting fact. वॉट इज दैट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट नाउ लुक एट दिस यू लुक इन द बॉडी ऑफ द फीमेल आपको पता है female में, the ovaries are abdominal in position. हमारे बॉडी में अगर मैं ऐसे एक रफ फीमेलो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक रफ ऐसे में डायग्राम बनाऊ सो दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक दिस ठीक है सो यू नो दैट द ओवरीज आर एबडोमल इन नेचर बट एबडोम इन पोजिशन नॉट नेचर एबडोमल इन पोजिशन

इसीलिए दे आर सीजनल ब्रीडर्स वाई आर द सीजनल ब्रीडर्स क्योंकि मैंने आपको बताया कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है एंड दिस हाई टेम्परेचर इज नॉट फेवरेबल टू मेक स्पर्म्स ठीक तो ये लोग साल भर नहीं बना सकते जब थोड़ा सा फेवरेबल सीजन आता है जब बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा फॉल करता है वेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स यू नो देन दे नॉट बॉडी टेम्परेचर फॉल्स वॉट दे डू इज ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ऐसे नॉर्मल में इनके टेस्टिस ऊपर एब्डोमेन में होते हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन इनका टेस्टिस का डिसेंट होता है डिसेंट होने का मतलब क्या है इनका टेस्टिस ब्रीडिंग सीजन के दौरान लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन ब्रीडिंग सीजन के दौरान इनका टेस्टिस नीचे आता है स्क्रोटम में तो बस वो सीजन जब यू you नो know, टेस्टिस क्रोटम में पाया जाता है यानी कि नीचे आता है

ठीक है ब्रीडिंग सीजन में देखिए ये नीचे आ जाता है एंड इट कम्स टू लाइव विद इन दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम अब जाकर इसको क्या मिला फेवरेबल कंडीशन मिला तो केवल उस दौरान जब ये डिसेंड करके स्क्रोटम में आता है उस वक्त वो ब्रीड कर सकता है उसके बाद ये वापस एसेंड कर जाता है और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है तो केवल जब It, ये आपके बॉडी के नीचे आता है और जब टेम्परेचर फेवरेबल होता है तभी ये लोग ब्रीड कर सकते हैं so हमारे बॉडी में एबडोमल ही होता है बच्चे में शुरू में लेकिन पांचवें महीने के आपको पता है बच्चा नौ महीना मदर की बॉडी में रहता है पांचवा महीना होते होते ये टेस्टिस को हम नीचे ले आते हैं एंड ह्यूमन बीइंग में ये टेस्टिस परमानेंटली यहां लॉज है अब परमानेंटली लॉज होने का फायदा क्या है वी हैव बिकम कंटिन्यूस ब्रीडर्स हम सालों भर ब्रीड कर सकते हैं क्यों क्योंकि सालों भर इसको फेवरेबल टेम्परेचर मिल रहा है स्पर्म बनाने के लिए फेवरेबल टेम्परेचर मिल रहा है स्पर्म बनाने के लिए सो वी बिकेम कंटिन्यूस ब्रीडर्स आई अगेन रिपीट मैं मी यू नो शो माई सेल कंप्लीटली फर्स्ट याद रखो कुछ और परमानेंटली स्क्रोटम में रह जाता है एक बार वो परमानेंटली स्क्रूटम में रह गया तो उसको सालों भर जिंदगी भर फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा तो वो सालों भर परमेटोजेनेसिस कर सकता है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स आर परमानेंट ब्रीडर्स इन कॉन्ट्रास्ट देर मेरी एनिमल्स लाइक एलिफेंट वहां पर क्या है टेस्टिस बर्थ के बाद भी कहा रहता है, है. सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के वक्त डिसेंड करता है उस वक्त इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो क्या करता है वो ब्रीड करता है फिर वापस टेस्टिस का एसेंड हो जाता है उसके बाद वो ब्रीड नहीं कर पाता देट इज वाई दीज आर यू नो सीजनल ब्रीडर्स एन ह्यूमन बींगा क्या मिला वी आर कंटिन्यूस ब्रीडर्स राइट अब आपको जब ये बात समझ में आ गई आई विश शो यू सम इंटरेस्टिंग डायग्राम हाउ द टेस्टिस डिसेंड ये आपके सिलेबस के बाहर है बट आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर योर इंटरेस्ट की ओरिजिनली आपका टेस्टिस कैसे रहता है और बाद में नीचे कैसे जाता है जस्ट लुक एट दिस डाय बर्थ से पहले यू कैन सी दस्टिस इज फाउंड इन दबडोमल रीजन एंड बर्थ के बाद यू कैन सी इट हेज मूव परमानेंटली दिस इज द स्क्रोटम ठीक है एंड मूव के बर्थ के बाद इट एक्चुअली बर्थ से पहले फिफ्थ मंथ आते आते हैं जस्ट सी दिस प्रोग्रेशन दिखा रहा है see, आते आते, ये जो टेस्ट है ये नीचे उतरना स्टार्ट करता है ठीक थर्ड मंथ आते आते ये पहुंच जाता है एंड फिफ्थ मंथ आते आते बेसिकली रीचेज इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दैट इज यहाँ स्क्रोटम में आकर यहाँ पर ठहर जाता है और परमानेंटली यहाँ पर रह जाता है ठीक है अब आपको हम कुछ इंटरेस्टिंग डायग्राम दिखाते हैं नाउ लुक एट दिस जब ओरिजिनली हमारा टेस्टिस यहाँ एबडोम में था सी आई एम ड्रॉइंग इट विद द रेड कलर ठीक है और ये क्या है बेटा ये हमारा स्क्रोटम है देखो स्क्रोटम को भी मैंने रेड कलर से बनाया ठीक है सो आई जस्ट नीड वन सेकेंड टाइम सो दैट आई कैन चेंज द कलर ऑफ द पेन मैं आपको दिखाऊं अब आप यहाँ पर देखोगे आई एम ड्रॉइंग इट विद ग्रीन कलर यहाँ पर देखो यहां पर एक uh, ऐसा स्ट्रक्चर है यू कैन सी यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर दिस इज अ कॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल एज जबरन ठीक है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल एज जबरन

So let me show it to you once again. एक एक बार फिर से से, से देख लो बेटा। मैंने कहा ये ये आपका है। है। है, जैसे नीचे नीचे आएगा, जब नीचे चला जाता है। और जब ये पूरा ऐसे नीचे आ जाता है तो यहाँ पर ये इतना सा आपको केवल जबरनकुलम दिखाई देता है मैं आपको कुछ कुछ कंपेरिजन दिखा रही हूँ वेरी गुड दू गया

जब टेस्टिस यहाँ था और आपको पता है ये दोनों वास डिफरेंस में खुलते इसमें खुलते यूरेथ्रा दिस पार्ट इज यूरेथ्रा, ये आपको दिख रहा है ये ब्राउन वाला जो बना हुआ है. तो 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 है मैं एक बार आई जस्ट ट्राई अगर इसका कलर चेंज हो जाता है आई एम नॉट श्योर ओके यस आई एम एबल टू डू दैट नाउ लिसन जब यहां मेरा टेस्टिस था तो ऑब्वियसली मेरा वास डिफरेंस ऐसा रहा होगा ये वास डिफरेंस जो ब्लू कलर का है ये ऐसा रहा होगा सी हियर आई एम ड्रॉइंग इट ये आपका ऐसा रहा होगा जब ये टेस्टिस नीचे मूव किया तो साथ साथ ही मूव करने लगा ठीक है सो दिस विच वॉज लाइक दिस वेन द टेस्टिस मूव डाउनवर्ड ओवर हियर सो दिस वास डिफरेंस ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग डाउन हियर आई होप यू आर गेटिंग मी इसको देखो ये मेरा टेस्टिस है ठीक है एंड टेस्टिस से ऐसे वास डिफरेंस अटैच्ड है यूरेथ्रा से जब टेस्टिस आपका यू नो जब टेस्टिस नीचे आएगा टेस्टिस से वास डिफरेंस है तो ये वास डिफरेंस भी क्या होगा धीरे धीरे करके आपका नीचे आएगा आई एम जस्ट शोइंग यू विद द डायग्राम्स देखिए आप अगला डायग्राम देखिए तो आपको और अच्छे से कलर आपका समझ में आएगा लुक एट दिस ठीक है ओके वेयर इज द डायग्राम ओके वन ऑफ द डायग्राम्स

ये टेस्टिस आपका नीचे जा रहा है और ये वास डिफरेंस भी नीचे आया और जब टेस्टिस अंदर घुस गया तो वास डिफरेंस ऐसे बाहर निकल गया सच दैट जब ये पूरा नीचे आ गया तो ये वास डिफरेंस पूरा ऐसे नीचे चला गया ये टोल्ड यू एज द टेस्टिस मूव डाउनवर्ड ठीक है दिस मूव डाउनवर्ड एंड वेन दम्स ये वास्ट डिफरेंस जो ऐसे था जब टेस्टिस ऐसे आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा एंड ऐसे होकर ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे होकर ये यहां पर अटैच करेगा ठीक है दिस इज हाउ इट चेंजेस वेन द टेस्टिस गोज डाउनवर्ड सी इज अ डायग्राम ओवर हियर एज दिस टेस्टिस इज गोइंग इन साइड ठीक है द दास्ट डिफरेंस दिस कनाल लाइक स्ट्रक्चर वॉट इज सी दिस इज जबरनकुल ये जो कनाल लाइक -like स्ट्रक्चर है ना बेटा ये वाला ये जिसके अंदर ये जाएगा दिस इज कॉलेज इन जिनवल कनाल यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी है इन जिनवल कनाल ठीक दिस इज कॉलेज इन जेनवल कनाल यहाँ पर भी और अच्छे से ऐसे बनाना चाहिए था इन जेनवल कनाल इस कनाल में जब अंदर टेस्टिस अंदर जाता है तो ये वास डिफरेंस ऊपर निकल जाता है और निकलने के बाद ये वापस यूरेथरा से अटैच कर जाता है शुरू में ये ऊपर से नीचे अटैच था लेकिन जब टेस्टिस नीचे आ जाता है तो फिर ये नीचे से ऊपर ऐसे अटैच हो जाता है सो दट वॉज जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट सो लेट मी फर्स्ट कंक्लूड मैंने आपको क्या पढ़ाया जब मैं एक बार ये समझा दूंगी देन आई विल मूव है सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया टेस्टिस का लोकेशन इट इज एक्स्ट्रा एबडोम इन पोजिशन इट इज फाउंड इन अलैक् स्ट्रक्चर कॉल स्क्रोटम द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम इज टू 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 एंड हाफ डिग्री यू नो लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर विच इज आइडल फॉर स्पर्न फॉर्मेशन दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया दिस इज द फर्स्ट टॉपिक आई टॉपिक

पोजिशन पढ़ ली अब हम लोग पढ़ते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस राइट तो हम ये जो आपको स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ा रहे really हैं जो टेस्टिस है, कवर्ड होता है राइट सो वंस अगेन आई रिपीट ये जो टेस्टिस है ये एक्सटर्नली थ्री होता है यू कैन सी दिस द फर्स्ट लेयर विच इज हियर पिंक इन कलर यू कैन सी दिस दिस इज कॉल्ड एज

राइट right? ये टेस्टिस के अंदर ऐसे इनवेजिनेट कर जाता है ठीक एंड इनवेजिनेट करके ये टेस्टिस को बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बांटता है जब ये कर ठीक है यूज है, है? Uh, 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 ये जो ईच चेंबर आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये जो ईच चेम्बर ये जो मैं हाईलाइटर पेन से बना रही हूँ बहुत आई uh, थिंक आपको बहुत क्लियर नहीं हो रहा है लेट मी यूज डिफरेंट कलर मे बी लेट मी यूज अ डार्क कलर ये जो आपको चेम्बर्स दिख रहे हैं ये देखे ये अंदर इमेजिनेट कर जाता है इंटू अंबर ऑफ चेम्बर्स यू कैन नो दैट दीज चेम्बर्स आर कॉल्डिकुलर लुब्यूल अब ये जो ईच चेंबर है ना बेटा ये ईच चें जो है ईच ऑफ दीज चेंस देर बेसिकली लाइन विद ब्लड वेसल्स ठीक है देर सॉरी आर अ लेयर लाइक दिस एंड दिस इनर मोस्ट लेयर इस ये इंडिविजुअली एक कवर्ड है इसको हम लोग ये आपका दिस इज ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा तो तीन लेयर है आउटर मोस्ट इज वजाइनालिस नेक्स्ट है आपका एलब्यूजीनिया थर्ड इज वैसक्यूलोसा लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन देन मे बी यू विल अंडरस्टैंड इट लिटिल बेटर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो टेस्टिस है आई नीड सम प्लेस टू ड्रॉ ये टेस्टिस तीन लेयर से कवर्ड है द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका लेस द नेक्स्ट लेयर यू नो दैट इज इसको आई विल ड्रॉ विद अ डिफरेंट कलर द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया ये ट्यूनिका एलब्यूजीनिया इन वेजिनेट कर जाता है टेस्टिस के अंदर और टेस्टिस को ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में ब्रेक कर देता है ठीक ईच कंपार्टमेंट

वजाइन नालिस दिस इज द नेक्स्ट लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया एल्ब्यूजीनिया ठीक है अब ये ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया अंदर की तरफ इनवेजिनेट करता है और इनवेजिनेट करके टेस्टिस को बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में बांटता है तो आप देख रहे हो ये अंदर की तरफ ऐसे इनवेजिनेट कर रहा है और इनवेजिनेट करके ये टेस्टिस को बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में बांटता है इसको हम लोग करीब टू फिफ्टी कंपार्टमेंट्स हैं। हैं कंपार्टमेंट्स को हम कहते कितना मैंने बताया आपको? 250 जिसको हम कहते तो मैंने पहला लेयर आपको बता दिया राइट दैट इज योर ट्यूनिकाइनलिका एल्जी बाय लेयर थर्ड लेयर

सेकेंड टू फॉर्म द मेल हॉर्मोन हमारे मन में अब क्या सवाल उठ रहा है ये मेल गैमेटिस कहा बनेगा और ये जो मेल हॉर्मोन है येगा ये और मेल हॉर्मोन कहा बनेगा आई वॉन्ट टू नो दैट हम इसको खोज रहे हैं तो हम पहले आपको बता रहे हैं कि मेल गैमेट आपका कहां बनेगा तो हमने क्या देखा पहले है आपका टेस्टिस टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट है

और ये लोब्यूल के अंदर करीब मेरे ख्याल से दो से तीन टिब्यूल्स पाए जाते यहां so, you know, uh, 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 पर है क्या लेटर सी दिस इज माई टेस्टिस दिवाइडेड इंटू अंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स These कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज testicular लोब्यूल्स the number of these compartments is about 250 each compartment you can see over here each compartment it has this highly coiled structure each one has this highly coiled structure this is called as these highly coiled structures like this each one like this ऐसे हम आपको पढ़ाएंगे बाद में दिस इज कॉल्ड एज अंदर करीब दो से तीन पाए जाते हैं. But ये seminiferous tubules highly, highly coiled होते हैं. ठीक? तो मैंने क्या बताया सबसे पहले टेस्टिस टेस्टिस के अंदर uh, लोब्यूल्स लोब्यूल के अंदर पाया जाता हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ठीक है इस सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल के अंदर आई रिपीट आई वॉन्ट टू रिपीट दिस वंस अगेन इस इसमी ट्रिब्यूल के अंदर वेट आई विल चेंज इतना प्रैक्टिस किया था पेन का कलर बदलना बट स्टिल आई फेल उफ़ Hmm. Now, इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बनेगा मेल गैमेट और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में जो इंटरस्टीशियल फ्लूड है इसमें बनेगा आपका मेल हार्मोन इसमें बनेगा मेल गैमेट और इसमें बनेगा मेल हार्मोन राइट आई वांट टू रिपीट इट वंस अगेन आई वांट यू टू यू नो नो द साइट्स प्रॉपरली वंस अगेन ठीक है मैंने क्या बताया टेस्टिस है टेस्टिस के अंदर चेम्बर्स है उसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल लोब्यूल के अंदर ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल इसके अंदर बनेगा मेल गैमेट और इसके बीच में जो खाली जगह है इसको कहते हैं इंटस्टिशियल फ्लूड इसमें बनेगा आपका मेल हॉर्मोन

That is sperm is formed, और इसके बीच का जो फ्लूड है इसमें पाया जाएगा आपका मेल हॉर्मोन क्लियर सो नाउ लेटर सीमिन के अंदर में आपका ऐसे है ये ऐसे यू नो टिब्यूल था इस टिब्यूल का हमने सेक्शन काटा जब हमने टिब्यूल का सेक्शन काटा तो देखो ये टिब्यूल हमारा ऐसा दिखता है ठीक ये हमारा देखिए हाईली ये ऐसा ट्रिब्यूल है बेटा सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल इस सेमिनि फेरेस्टिब्यूल का हमने सेक्शन काटा तो सेक्शन काटा तो ये ऐसे सर्कुलर दिखेगा ये ऐसा सर्कुलर दिखेगा सो दिस इज वन सर्कुलर आउटलाइन सो सी दिस इज लेट मी चेंज द कलर यू कैन सी हियर ठीक है ये ये देखो जब इसको हमने काटा इसको ठीक है तो ये ऐसा सर्कुलर दिखला ये ये एक और ये एक और ये एक और ऐसे करके है इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर से ये कैसा दिखता है ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है राइट सेमिनिफेरस टिब्यूल को आपने काटा काटने के बाद अंदर से वो कैसा दिखता है राइट आई अनदर डायग्राम ओवर यर फर्स्ट कम ये अंदर पाए जाते स्पेशल सेल्स कॉलेज जर्म सेल्स और ये जर्म सेल आपका बनाएगा ये मेल गैमेट देखिए जो बीच में आपका गुच्छा में बना हुआ है यू कैन सी दैट ये बीच वाला पार्ट है येलो में मैंने बनाया दीज आर द मेल गैमेट्स ठीक है तो ये हो गया बेटा आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इन इट येलो दिस वन इस टिब्यूल के अंदर जो छेद है इसके अंदर एक तर, स्पेशल तरह का सेल बनता है इसको हम आपको बताएंगे इसको हम कहते हैं जर्म सेल ये जर्म सेल डिवाइड करके बाद में बनाएगा आपका मेल गैमेट दैट इज लेटर सी इट इन दिस डायग्राम सो दैट यू अंडरस्टैंड इट लिटिल बेटर मैं आपको बता दू सी दिस ट्रिब्यूल का सर्कुलर आउटलाइन है यह मेरा टिब्यूल है टिब्यूल, ऐसा? इसको ऐसे हमने काटा राइट जैसे हमने काटा तो यह अंदर से हमको ऐसा दिखाई दिया ठीक है ये दो तरह के सेल का बना हुआ वन इज क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स दीज क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स आर कॉल्ड एज जर्म सेल्स राइट दीज आर कॉल्ड एज जर्म सेल्स तो मैं बना दूं और दिस इज आल्सो जर्म सेल्स ठीक है इस जर्म सेल के बीच में बीच-बीच में पाया जाता है एक स्पेशल तरह का सेल कॉल्ड एज सेल्स ऐसे बीच-बीच में ऐसे बीच-बीच में ऐसा एक स्पेशल सेल पाया जाता इसको है उसको कहते हैं सर्टोली सेल दिस सर्टोली सेल इज आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट सर्टोली है ना दो तरह का सेल पाया जाता है इसमें से जो जर्म सेल है ना बेटा ये जो जर्म सेल है ये जर्म सेल जो बाहर वाला है ये बनाएगा दिस इज योर मियोसाइट दिस इज अ डिप्लॉयड सेल दिस इज द लास्ट सेल विच इज डिप्लॉइड इट इज ये मियोसिस करेगा बेटा और मियोसिस करके ये डिप्लॉयड सॉरी हैम्स बनाएगा यह आपका दिस इज योर म्यूसाइट दिस इज द ओनली सेल ऑफ योर बॉडी विच कैन अंडरगो म्यूसिस टू फॉर्म द मेल गैमिट स्पर्म सो इट विस टू फॉर्म स्पर्म

द एंड एक बार से आपका स्पर्म नरिश्ड हो जाएगा ठीक है इट गेट्स द नरिशमेंट उसके बाद दिस स्पर्म विल बी रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड राइट सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेमिनिफेरस ट्रीब्यूट सो प्लीज फाइनली ये जो के अंदर में सेल है उस सेल को कहते हैं जर्म सेल और ये जो टिब्यूल है उसके अंदर जो अंदर के जो सेल्स है जर्म सेल्स राइट में अगर आप बोलो मैं आपको अपना बड़ा क्या कम बैक टू द फुल स्क्रीन So you know, you टूब जैसा स्ट्रक्चर है इसका सेक्शन काटोगे तो अंदर में जो इसके सेल्स है इस ट्यूब के अंदर के जो सेल्स है राइट दीज आर डिप्लॉयड सेल्स देस जर्म सेल्स ये मिओसिस करके स्पम बनाता है और ये स्पम जैसे ही बनेगा वो सटोली सेल से चिपक कर नरिशमेंट लेता है उसके बाद वो टेस्टिस से बाहर रिलीज होता है तो फाइनली हमने वो जगह खोज लिया हमने कहा था टेस्टिस का दो फंक्शन होता है पहला फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट स्पर्म एंड सेकेंड मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ मेल हॉर्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन या दैट इज एंड्रोजन जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेर मैंने बताया था ठीक तो पहला फंक्शन मैंने आपको बताया तो कहा पाया जाता मैंने बता दिया आई विल टेल इट वंस अगेन अगर तुम पूरे टेस्टिस को देखोगे सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन रिप्रोडक्टिव है वो है टेस्टिस टेस्टिस क्योंकि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसका दो फंक्शन है पहला टू फॉर्म द मेल गैमेट स्पर्म एंड दूसरा टू फॉर्म द मेल हॉमोन एंड्रोजन जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरॉन ठीक किसमें होगा टेस्टिस क्योंकि प्राइमरी ऑर्गन है हमने एक टेस्टिस को बाहर निकाला निकालने के बाद जब हमने ऐसे का सेक्शन काटा, काटा तो हमने क्या देखा ये टेस्टिस, काटा, तो हमने देखा ये से, बहुत सारे पे हुआ है yes, लिखिए मैंने इसका नाम क्या बताया था हमने बताया था इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने लोब्यूल्स बताए थे आप लिखिए यहाँ पर ये यू गेस टू ट्राई हम लोग के 250 फिफ्टी लोब्यूल्स पाए जाते हैं ईच लोब्यूल के अंदर ऐसे हाईली कॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है ईच लोब्यूल के अंदर

ये अगर बड़ा सा ऐसा टिब्यूल है जब इस पर्म बन के बीच में आता है तो ऐसे लंबे लंबे सेल होते हैं सर्टोली सेल उससे ऐसे चिपक जाता है और नरिशमेंट लेता है नरिशमेंट लेने के बाद फिर बाद में जब स्पर्म को थोड़ा एनर्जी मिलता है तब जाकर वो टेस्टिस से बाहर रिलीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ यू नो प्रोसीड करने के लिए यानी कि माइग्रेट करने के लिए इज दर तो आपको ये पता चल गया मेल हॉर्मोन आपका कहाँ बनता है हो गया अब जब आपको ये पता चल गया कि मेल हार्मोन कहाँ बनता है आपको पता चल गया सो अस नाउ मूव टू प्लेस वेयर द मेल हॉर्मोन इज फॉर तो अब आ जाते हैं, ये को आप अच्छे से देखो तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ये है आपका टेस्टिकुलर यूरोज योर सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल विद इन द सेमिनि फेरेस्ट्रिब्यूल दीज स्पेशल सेल्स दीज आर सेल्स जर्म सेल्स दीज जर्म सेल्स विल अंडर गो मिओसिस खुद तो ये डिप्लॉइड है पर ये मियोसिस के बाद ये यू नो गैमेट गैमेट यानी मेल स्पर्म बनाते राइट right? so सो मैंने बताया था कि ये जो, ये जो है, ये आपका टेस्टिस का है। इसके बीच वाला जो जगह है ये फिल्ड होता है फ्लूइड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड दिस इज कॉल्ड एज इंटर Cells. Right? इसके अंदर पाया जाता है आपका स्पेशल सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं इंटस्टिशल सेल्स यू कैन सी हम यहाँ ब्लू कलर से बना रहे दी सेल्स ठीक है दी सेल्स आर कॉल एज सेल्स दे आर ऑल्सो कॉल लेडिक सेल्स

Then vast difference, ये सारे को बनाने में के डेवलपमेंट में यह आपका मदद करता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्ट इज कम्प्लीट ठीक है द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस कंप्लीट तो अभी तक मैंने जो आपको एक बार पढ़ाया है उसको मैं, मैं बता दू एंड देन आई विल शो यू अ कंप्लीट रिविजन समरी बुक uh, दिखाएंगे और उस समरी बुक में मैंने जो कुछ लिखा है वो समरी बुक हम आपके साथ एज इट इज शेयर कर देंगे यानी कि मैं आपको आज बता दूं मैंने आज आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाया है ये एक बार देख लो एंड देन वी विल गो थ्रू द समरी बुक राइट मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ सबसे पहले विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया व्हाट इज uh, मैंने आपको सबसे पहले जो मेन टॉपिक है मैंने आपको आई डोंट नो आई एम टचिंग इट हाँ मैंने आपको सबसे पहले जो मेन टॉपिक है वो पढ़ाया रिप्रोडक्शन यानी कि पढ़ाया सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज रिप्रोडक्शन तो मैंने आपको बनाया द प्रोसेस बोर्न सिमिलर टू द पेरेंट दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो मैंने आपको क्या बताया ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी क्या होगा प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप्स होगा प्री फर्टिलाइजेशन में हम गैमेट बनाएंगे ट्रांसफर करेंगे फिर जब गैमेट एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन में उसका फ्यूजन कर देंगे सिंहगैमी और एक बार वो फर्टिलाइज हो गया तो उससे बनाएंगे जयगोड और जाइगोड से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का बर्थ होगा ये हम आपको ओवरव्यू बताएं फिर हम आपको बताए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ाएंगे तो पहले पढ़ाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट फीमेल गैमेट फिर हम आपको बताए ये गैमेट अगर बना तो दो बातें होंगी या तो फ्यूज नहीं करेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्यूज किया तो फर्टिलाइजेशन और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ राइट right? और अगर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ देन इट विल लीड विलीड टूगोड फॉर्मेशन एंडगोड से आपका बनेगा एम्ब्रियो तो मैंने आपको बताया पूरा एक ओवरव्यू जो आपका होता है ठीक है सो आई गेव यू एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर नेक्स्ट आई गिव यू एन ऑफ द चैप्टर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा इट इज मेड अप ऑफ यू नो सेक्स सेक्स एंड अपर्गन दो तरह के होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग कहते हैं गुनाड एंड मेल गुनाड को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस ठीक एंड टेस्टिस का दो फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल

थर्ड मैंने आपको पढ़ाया इसका एल एस मैंने आपको इसका पढ़ाया एल एस एंड मैंने आपको वो दोनों जगह दिखाया एक सेमिनिफेर जहां पर आपका मेल गैमेट बनता है मेल गैमेट बनता है आई इज नॉट कोऑपरेटिंग एंड सेकेंड मैंने आपको पढ़ाया सेमिनी फेरेस्टिब्यूल के बाद मैंने आपको पढ़ाया इंटस्टिशियल सेल्स जहां पर आपका मेल हॉर्मोन्स बनता है एक्ट सो नाउटॉट यू वन क्विक समरी पेज आई एम गोइंग टू शेयर इट राइट ना वी आर ऑन अमरी बुक आई टेल यू है जो भी पढ़ाऊंगी इस चैप्टर में उसकी समरी आपको इस बुक में पढ़ाती चली जाऊंगी एंड जब आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कम्प्लीट बुकलेट आई विल शेयर विद यू राइट सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट मी ओपन माई बुक सो वॉट इज द समरी ऑफ वॉट वी लर्न टूडे सबसे पहला एंड ओवर व्यू एंड ओवर व्यू में वी लर्न दैट के यहाँ पर लेट मी हा चूज द करेक्ट पेन हमने पढ़ा एंड द करेक्ट कलर ऑल्सो हमने पढ़ा कि बेसिकली रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बीइंग में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विल अंडर गो इन थ्री स्टेप रीफर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन में होगा आपका गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर इसमें होगा आपका सिंह या होगा फॉर्मेशन ऑफ जोड एंड एम्ब्रियो राइट ह्यूमन बींग में ये जो गैमेट बनता है ये दो तरह का है द मेल गैमेट इज फाउंड इन टेस्टिस दीमेल इज फाउंड इन ओवरी एंड द मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एस ek once they are formed they need to meet each other this is gamete transfer come near each other this is gamete transfer then they will meet the meeting is called as uh, uh, your uh, syngamy yeah the meeting is uh, called as syngamy and after that you know zygote will be formed and from the zygote the embryo will be formed right so pehle maine aapko ek aapko overview bataya tha

then you know if fertilization doesn't happen we'll study menstrual cycle if it happens then the next step will be fertilization as you can see it over here from fertilization what will happen then uh, uh, you know uh, this zygote will be formed and this zygote will form embryo and the embryo will be given birth right so this is an overview of the this chapter overview ke i told you what are the parts of the reproductive male reproductive system so i told you male reproductive system is made up of reproductive organs and glands i told you the organs can be either primary reproductive organ or secondary reproductive organ that is also called as accessory glands the primary reproductive organ is called gonad and the male gonad is called as testis all the tubes that come out from the testis and that lead to the ejaculation of the sperm to the outside that is called as secondary and in the glands, there are three types of glands. i told you one is seminal vesicle, the other is prostate gland, and the third is bulbo-urethral gland. now, let us have, uh, uh, you know, uh, this enlarged. so you can see here, this is the main reproductive organ, testis. then this is the accessory duct, epididymis, gas uh, deferens, ejaculatory duct and urethra, and the three accessory glands, seminal vesicle, prostate gland, and bulbo-urethral gland. right? so uh, that you know this. now that you know now next we studied is <coughs> the male reproductive system the male reproductive system mein first we will study the gonad that is the testis humne padha what is the location of the testis the testis is basically found on scrotum we uh, we study studied to pen ka thickness thoda kam kar lete hai hai na uh, let us do this and let us take a good color maybe uh, which color okay let us remain black So, where it is found? It is found in a sac-like structure called a scrotum because here the temperature is 2 to 2.5 degree less than the normal body temperature. Right? Then we studied was mm -hmm. Then we uh, topic next study was testis ka covering. We studied that testis has basically three covering. The outermost as you can see over here this is called as tunica vaginalis. This is called as tunica albuginea and the third one which is found across each of this segment this this is called as tunica vasculosa then we know that this tunica albuginea it divides the cavity of the testis right uh, it divides cancel the uh, this into a number of lobules you can see that these lobules are called as testicular lobules these lobules are basically 250 in number, right, these testicular lobules, within each testicular lobules, they are fine, this highly coiled like structures, these are called as seminiferous tubules, these seminiferous tubules are 2 to 3 per lobule, right, then we studied is, what we studied is, this, you can see, this is the seminiferous tubule,

ये ऐसे, ऐसे 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 आया और दोनों तरफ का फ्यूज होकर एक बन गया दिस इज हाउ इट इज फॉर्म दिस आई वॉन्ट अंडरस्टैंड ठीक है सो लेट लेटमी शॉर्टन माई स्क्रीन सो दिस इज अबाउट योर सेमिनिफेरस टिब्यूल हाउ इट लुक्स ठीक नाउ दिस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर में अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसका थिकनेस हम कम कर लें इसके अंदर अगर आप देखोगे अंदर यहां पर ठीक तो इसके अंदर में ये ऐसा दिखता है कोई ऐसा कलर नहीं दिख रहा है जिससे ये थोड़ा दिखाई देर इज नो डार्क कलर हाँ इट्स बेटर सी या ये तो बहुत लाइट हो जाता है मी डू दिस हियर ये अंदर से ऐसा है ठीक है अगर इसको हम ऐसे बाहर निकाले और सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाए सिर्फ यहां से यहां तक का यहां से यहां तक का राइट सो इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स दीज आर कॉल्ड एज द जर्म सेल्स एंड बीच बीच में इसमें ऐसे बड़े बड़े सेल्स अच्छा चलो पूरा गोली बना लेते हैं इसको हम लोग कहते हैं सटोली सेल्स दो तो तरह के सेल्स का है ठीक ये जर्म सेल का काम क्या है ये मेल गैमेट बनाएगा ये गैमेट जब बनेंगे ये गैमेट सर्टोली सेल के हेड में एम्बीट करेंगे आप देख रहे हैं एमबीट करेंगे और ये सर्टोली सेल तो ये हो गया जर्म सेल और ये हो गया आपका सर्टोली सेल्स दिस इज योर सर्टोली सेल्स ठीक द जर्म सेल विल फॉर्म द मेल गैमेट एंड सर्टोली सेल विल गिव नरिशमेंट टू दिस मेल गैमेट राइट तो ये आपका सिर्फ यहां से यहां तक का ओनली दिस मच ओनली यहां यहां से यहां तक का ये आपका इनलाज बनाया हुआ है this is a very important diagram this diagram i will explain you later this diagram is very 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 important diagram that comes in your exams is that clear now once this is done i have given you the place where the male gamete is formed ab within this jo beech mein space hai isko hum log kehte hain interstitial सेल्स या लेडिक सेल ये बनाता है मेल हार्मोन एंड्रोजन जिस टेस्टोस्टेरोन जिसका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स that means in summary मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो चीज का बना हुआ है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में इसको कहते हैं टेस्टिस एंड मैंने आपको टेस्टिस का आज पढ़ा दिया लोकेशन सी हाउ मेनी टाइम्स आई एम रिपीटिंग सेकेंड मैंने आपको पढ़ा दिया इसका कवरिंग थ्री लेयर्स से कवर्ड है, ठीक तीसरा मैंने पढ़ाया द प्लेस वेयर द मेल गैमेट इज फॉर्म एंड चौथा द मेल हॉर्मोन्स मीन आई टॉट यूस ऑफ टेस्ट ऑफ टेस्टिस एंड आई ऑल्सो गेव यू मेल फसम इज दैट क्लियर विद दैट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पहला टॉपिक है दैट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम लोग गोनाड भी बोलते हैं मेल गोनाड जिसको टेस्टिस बोलते हैं जिसका दो फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया ठीक आपने देख लिया टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस फेरस्टिब्यूल के अंदर बनेगा मेल गैमेट और बाहर जो इंटस्टिशियल फ्लूड है उसमें बनेगा आपका मेल हार्मोन Is that clear? So, in my next lecture, I will teach you accessory ducts and accessory glands.